नमस्कार, मैं अंजलि रावत स्टोरी हाउ में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आने वाली है। दोनों फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के जरिए स्क्रीन पर दर्शकों को इंटरटेन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस जोड़ी की फिल्म की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसको जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिला था। आज की वीडियो में हम आपको इस फिल्म के कास्ट की फीस के बारे में बताने जा रहे हैं। बात करते हैं अक्षय कुमार के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए 80 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, और टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 22 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अगर बात करें मानुषी की, तो मानुषी ने इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं, और वहीं अलाया फर्नीचर वाला को इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए मिले हैं, और पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने फिल्म में विलेन का रोल अभिनय किया है, उनको 5 करोड़ रुपए की फीस मिली है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं इन सभी कलाकारों के अलावा रोनित रॉय भी अहम भूमिका में दिखे। रोनित रॉय ने इस फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अगर आप बड़े मियां छोटे मियां देखने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अक्षय टाइगर की इस फिल्म में आखिर आपको क्या दिखेगा। दरअसल इस फिल्म का जॉनर एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस है। फिल्म के ट्रेलर से साफ है कि इसमें जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आप किसी और उम्मीद के साथ थिएटर जाएंगे तो आपको निराश होना पड़ेगा। वहीं आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहें स्टोरी हाउ।